टीम इंडिया के कई दिग्गज खिलाड़ी महाकाल के दरबार पहुंच रहे हैं। बीते दिनों विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल और केएल राहुल ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई, तो अब इंडियन टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने महाकाल के दर्शन किए। उमेश ने तड़के सुबह होने वाली भस्म आरती में हिस्सा लिया और विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। वहीं भस्म आरती के बाद मीडिया से बात करते हुए यादव ने कहा कि आज मैं यहां बाबा महाकाल की पूजा करने पहुंचा हूं। मैंने प्रार्थना की कि सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, दुनिया में शांति और खुशी हो, हर किसी पर महादेव की कृपा बनी रहे। बता दें कि भगवान के दर्शन के बाद उमेश यादव भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। आज मैं यहाँ महाकालेश्वर दर्शन के लिए आया हूँ और यही कामना के साथ जाता हूँ कि सबकी इच्छा और सबकी कामना पूर्ण हो, संसार में ये शांति बनी रहे और सबका कल्याण हो। जय श्री महाकाल। गौरतलब है कि उमेश यादव से पहले बीते दिनों तीन भारतीय बल्लेबाजों ने दर्शन किए और दर्शन के बाद तीनों बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकले। विराट कोहली ने बीते दिनों अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में शतक ठोककर 3 साल का अपना सूखा खत्म किया था। कोहली से पहले सूर्या भी जनवरी में यहां पहुंचे थे। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में उन्होंने 47 रन ठोके। वहीं पिछले महीने फरवरी में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल भी महाकाल की शरण में पहुंचे थे। राहुल ने भी अपनी फॉर्म दिखाई और बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरे, जहां उन्होंने नाबाद 75 रन ठोके। अब उमेश यादव से भी हर कोई ऐसी ही उम्मीद कर रहा है कि वो भारत को टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाए। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।